यस मैम विजिबल है। सही क्वेश्चन एक कर लेते हैं, थोड़ा मिल चला डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैम। क्वेश्चन एक किया, मतलब हमें समझ आ गया आपको। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे इसमें कल की तरह का क्वेश्चन ना, नहीं बड़े अमाउंट कल की तरह क्वेश्चन है। उसमें स्टेयर केस है हमारे पास और हर स्टेयर केस की एक कॉस्ट है। ओके फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप की कॉस्ट है हमारे पास सी जीरो स्टेप होगा, इसकी कॉस्ट है 10, नेक्स्ट की 15 और नेक्स्ट की 20। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम जीरो पे हैं, जीरो के बीच में कॉस्ट मिलेगी। वन पे टू, इसकी कॉस्ट है हमारे पास 10, नेक्स्ट की हमारे पास है 15, और लास्ट वन की हमारे पास है 20। अब हम किसी भी स्टेप में हों, जीरो से या वन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम जीरो पे हैं, जब हम एक स्टेप की कॉस्ट पे कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम चाहें तो वन स्टेप ले लें, चाहें तो हम टू स्टेप ले लें। और हमने यहाँ कहा ड्रॉप पे पहुँच, मतलब इसके टॉप पे पहुँचना, यहाँ हमने पहुँच, ये हमारा टॉप है, ये डेस्टिनेशन हमारा। और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम या तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो टाइम जीरो है, यहाँ 15 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, यहाँ 15 पे जंप करें, यहाँ 20 पे जंप करें। अगर हमने 15 पे की तो 15 से हमें दोबारा कॉस्ट पे करनी होगी, फिर हमारे पास ऑप्शन होंगे कि हम 20 पे कर सकते हैं जंप, या फिर हम जंप कर सकते हैं टॉप पे। 20 पे जंप करेंगे फिर हम दोबारा टॉप पे जाएंगे, या डायरेक्ट हम टू स्टेप्स लेंगे तो फिर हम 20 पे चले जाएंगे, टॉप पे चले जाएंगे। अब हमारे पास जो होगी कॉस्ट, हमने क्या करना है, ऐड करनी होगी। अगर हम यहाँ स्टेप जीरो पे थे और हम फिर 15 पे गए,
तो इसकी कॉस्ट थी 10, फिर हमने 15 की कॉस्ट पे की, 15 तो 10 प्लस 15 25, देन हम ने टू स्टेप लिया तो हम टॉप पे पहुंच गए 25 पे। अगर हम यहाँ 10 पे होते और हम टू स्टेप लेते हम 20 पे पहुंचते, फिर हम 20 पे पे करते 20 और फिर हम टॉप पे पहुंचते, इस पाथ की कॉस्ट बन जाती है हमारे पास 30। तो ऐसे करते हैं हम एक एरे की फॉर्म में करके देखते हैं, सॉरी ट्री की फॉर्म में करके देखते हैं, उसमें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ 0 पे थे, हमने या तो ये हमारे पास ऑप्शन थी तो हम 1 स्टेप लें, अगर हम 1 स्टेप लेते तो हम आ जाते 1 पे, और यहाँ हमारी कॉस्ट लगनी थी 10। और दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास कि हम 2 पे जाते हैं, 2 जंप लेते हैं, तो हम यहाँ आ जाते हैं 2 पे। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेप कैसा है, ये 1 0 1 2 और ये 3 स्टेप का 3 डेस्टिनेशन है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 2 और ये 1 मिनट में ज़रा बैटरी लगाऊँ। और ये हमारे पास 3 है, ये 3 हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। हमने 0 पे थे, हम स्टार्ट पे थे, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, हम या 1 लेते या हम 1 स्टेप लेते या हम 2 स्टेप लेते, दोनों ही कॉस्ट हमारे पास 3 थी, 10 ही। अब हम अगर 1 पे पहुंचते तो हमारे पास अगेन ऑप्शन है, हम 1 स्टेप लेंगे वन स्टेप लेंगे या हम 2 स्टेप लेंगे। अगर हमने 1 लिया तो हम पहुंचेंगे 2 पे, और अगर हमने 2 स्टेप लिए तो हम पहुंचेंगे 3 पे। अगर हमने यहाँ पे 1 स्टेप लिया तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, और इसकी भी कॉस्ट है हमारे पास, हम कॉस्ट इनको पे कर देंगे कि हमारी मर्जी है 1 स्टेप लेंगे या 2 स्टेप लेंगे। अब हम अगर 2 पे हैं, 3 पे तो हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए, अगर हम 2 पे हैं तो हमें फिर 1 स्टेप लेना है। और फिर हम 3 पे पहुंचेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉस्ट बनेगी, यहाँ पे 20 थी 1 स्टेप की कॉस्ट, राइट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम अगर ये काउंट करें कि हम स्टेप पे 3 पे कैसे पहुंचते हैं, तो इसकी कॉस्ट बनेगी हमारे पास 10 प्लस 15 प्लस 20, कितनी हो गई, 25, 40, 45, 45 हमारी कॉस्ट हो गई स्टेप की। अब यहाँ पर हम थे 2 पे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम 1 स्टेप लें, क्योंकि अगर हम 2 स्टेप लेंगे तभी हम 3 पे 4 पे पहुंच जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है, बजट नहीं है, तो हम 1 स्टेप लेंगे और 20 के साथ हम यहाँ पहुंच जाएंगे 20 कॉस्ट पे। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम 0 से स्टार्ट करें, ऐसे इस क्वेश्चन में ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप 0 या 1 किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो हमने ये 0 से स्टार्ट करके देखा, एक पाथ ही कॉस्ट हमारे पास आ रही है 45, 45 इसकी हमारे पास आ रही है 25, और इस पास की आ रही है हमारे पास 30।
और हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम वन से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी वन हो, जिसने यहाँ मेंशन किया हुआ। यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप विद इंडेक्स जीरो और द स्टेप विद इंडेक्स वन। अब हम अगर वन से स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये वन वाला काम हम यहाँ पर कर चुके हैं। ये वाला काम हम यहाँ पे कर चुके हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हम इनिशियली वन स्टेप में है, तो हम सिर्फ ये कॉस्ट मतलब करेंगे कैलकुलेट, मतलब इस बाद में हमारे पास होगा 15 प्लस 20, यहाँ पे आएगा 35, और यहाँ पे सिर्फ 15 होगा तो यहाँ पे 15 कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको कोई बता सकता है क्या होगी? अगर हम ये पूरा ट्री से शुरू करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी हमारे पास हर स्टेप पे, हमारे पास ऑप्शन थे कि हम दो दे सकते हैं, एटलीस्ट दो ऑप्शन थे हमारे पास, तो ये क्या होगा, ये तो 2 की पावर में जाएगा। अगर हम ये कहें कि इसकी हाइट 3 की हाइट n है तो ये बनेगा हमारे पास ओ इसे हम लीनियर कैसे कर सकते हैं, ओ ऑफ एन में अगर हम करना चाहते हैं तो ओ ऑफ वन काफी ज्यादा, तो हम ओ ऑफ एन में करना चाहते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हम रिपीटेड वर्क कर रहे हैं हम उसको रिड्यूस कर दें। हमारे पास दूसरा यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे साथ कंप्यूट हो रहा है, यहाँ पे हमें दोबारा कंप्यूट करने की अगेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, तो हम ये सारा जो रिपीटेड वर्क है इसको हम ये हम ना करें तो हम ओ ऑफ एन में चले जाएंगे। करके देख लेते हैं कैसे हुआ, अब हम क्या करते हैं इसको कोई एरे लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, बीपी एरे बना लेते हैं, 10 है, 0 1 जीरो से एक स्टेप लेना या दो स्टेप लेना की कॉस्ट है 10, वन की कॉस्ट है हमारे पास 15, 2 की कॉस्ट है हमारे पास 20 और 3 की कॉस्ट तो कोई नहीं होगी क्योंकि हमने उसी पे है और हम इसी पे रहना है, उसकी हमारे पास कॉस्ट रहेगी 0 जस्ट फॉर सिंपलिसिटी हम इसको हम शुरू कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हम 10 से स्टेप ले सकते हैं, या हम 15 बताएंगे या हम 20 पे जाएंगे, तो हम 15 पे जाएँ या 20 पे जाएँ इसका मतलब है 10 तो है, 10 पे हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि हमारी टोटल कॉस्ट 3 पे पहुँचने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो डिपेंड करी है कि हम 15 पे जाते हैं या 20 पे जाते हैं। अच्छा इसमें एक और बात ये हो सकती है कि हमारे पास हम ये कहें कि हम 2 2 का स्टेप लेंगे, हम 1 का स्टेप नहीं लेंगे, इस केस में क्या होगा, हम अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह देखें तो हम फर्स्ट करें यहाँ पर हैं, फर्स्ट पे हैं, इंडेक्स पे हैं, 1 इंडेक्स पे हमने शुरू करना है 0 पे, तो हम कहें कि हम पहले ही ऊपर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि 1 इंडेक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये हो सकता है हम ये कहें कि 1 स्टेप लेंगे तो हम ये 100 पे पहुँच जाएंगे, तो 100 वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर हम इसमें 2 स्टेप लेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, हो सकता है कि हम या फिर एक ऐसी वैल्यू हो सपोज कंसिडर कर लेते हैं 1 है 2 है और 100 है और फिर हम सपोज 2 पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम 1 स्टेप लें या हम 2 स्टेप लें, सॉरी हम 1 से 1 हो गया, हम सपोज 1 पे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम 1 स्टेप लें या हम 2 स्टेप लें, तो ग्रेडी अप्रोच तो ये होगी कि हम डायरेक्ट 2 स्टेप लें और 100 पर पहुंच जाए, लेकिन हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी है ऊपर, इसलिए हमारे पास ईजी ये होगा कि हम पहले 1 स्टेप लें 2 पर आए और 2 से हम फिर 2 स्टेप लें
और फिर फिर चला जाए, तो इस तरह हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। अच्छा हम यहाँ पे थे, हम देख रहे थे कि 10 जो है वो डिपेंड करता है 15 पे या फिर 20 पे, और इसी तरह हमारे पास जो 15 है वो किसको डिपेंड कर रहा है, हमारे पास 15 डिपेंड कर रहा है 20 पे अपने नेक्स्ट पे या फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे 0 पे। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने 10 से स्टार्ट करना है या फिर 20 से स्टार्ट करना है। अब हमने अगर 10 से स्टार्ट करना तो हमारी कॉस्ट बनेगी, अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी कॉस्ट बनेगी, या हमारे पास होगा 10 प्लस 15 यहाँ से हम 15 पे आए हैं, 15 से हम 3 पे, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है 10 प्लस 20, थर्ड ऑप्शन भी है कि 10 से 15 से 15 20 पे और 20 से आगे, तो हम क्या कोशिश करेंगे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आए, हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास है, अब हम ये देख लेते हैं हमारे पास अगर 2 पे हम पहुंचे हैं तो हमारे पास 2 से आगे कॉस्ट कितनी लगेगी, क्योंकि 2 से हमारे पास 3 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसमें हमारे पास 80 भी है पहुंचने का, ठीक है तो हमारे पास ये 20 किसी तरह रहेगा, 20 ही रहेगा। अब 20 से हम बैक पे आते हैं 15 पे, 15 से हमारे पास 3 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, हमारे पास 80 गए हम डायरेक्ट जंप करें उसमें हमारी कॉस्ट आ रही है 15, दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 20 पे आए, और 20 पे जब हम आएंगे तो हमें पता है यहाँ से टॉप पे पहुंचने की कॉस्ट 20 है, तो 15 प्लस 20 35 हो जाएगा। इसमें हम कौन सी वैल्यू रखेंगे जो इन दोनों में से मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम हमारे पास लकीली 15 है, तो ये 15 है, अपडेट नहीं होगा इस तरह 15 ही रहेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, ये हम 0 इंडेक्स पे अगर हैं तो हमारे पास टॉप तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि 15 पे जंप करें, अब 15 पे अगर हम जंप करते हैं तो हमें पता है यहाँ से टॉप पर पहुँचने की कॉस्ट 15 है, 10 प्लस 15 25, 25 इज द मिनिमम, और अगर हम यहाँ से जंप करते हैं 20 पे तो हमारे पास हमें यहाँ कंप्यूट की गया कि इसकी कॉस्ट है 20, फिर 20 प्लस 10 30, तो 30 हमें यहाँ से लगेगा, हम इसमें से मिनिमम चूज करेंगे यहाँ 15 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, हम इन दो ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट टू ऑप्शन जो होंगी 0 और 1 पे हमारे पास वैल्यू तो आएंगी कि हम अगर 0 से शुरू करें तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे हम इसे अपडेट कर देते हैं 10 को पहले।
यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 25, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 25 थी। ये गाइस नहीं कर रहा, यहाँ से हम टॉप पे पहुंचने के हमारे पास कॉस्ट मिनिमम 25 है। जो हमारे पास अब लास्ट में ऑप्शन थे कि हम 0 से स्टार्ट करें इंडेक्स से या हम 1 से स्टार्ट करें, तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे है कॉस्ट 25। और 1 इंडेक्स पे हमारे पास कॉस्ट है 15। तो हम इसमें मिनिमम चूज करेंगे तो हम ये 15 चूज करेंगे और इसका आंसर है मैंने 15 निकाल दिया। कोड हम देख लेते हैं कैसे होगा। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट में हम पहले जीरो पुट, कॉस्ट में जो हमारे पास एरे है उसमें हम जीरो अपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जीरो अपेंड कर दिया ताकि हमारे लिए कंप्यूटेशन इजी हो। अब हमें ये जीरो वाली वैल्यू नहीं चाहिए थी, इससे पिछली में वैल्यू नहीं चाहिए थी माइनस वन वाली, और इससे ये जो हमारे पास 15 है हमने इसको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है हम इससे डायरेक्ट यहाँ जम करेंगे या इसमें जम करेंगे। तो हमने क्या किया, कॉस्ट का जितना साइज था -3 करके कंप्यूटेशन स्टार्ट किया, और हमारा जो लूप होगा वो कब तक चलेगा, जब तक आई इक्वल टू 0 हो, या फिर 0 से जब डैश हो जाएगा तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और आई --2 होता रहेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलेगी, ये कॉस्ट हमारे पास आएगी जितनी इस स्टेप की कॉस्ट है, जो भी हम स्टेप ले रहे हैं उसकी कॉस्ट प्लस मिनिमम ऑफ बोथ ऑफ दिस कॉस्ट, इसमें से जो मिनिमम होगी 15 और 20 में से मिनिमम क्या है वो प्लस इस स्टेप की जितनी कॉस्ट है वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये 0 और 1 की वैल्यूज यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी आखिर में, जब हमारे पास ये लास्ट में अपडेट हो जाएंगी तो हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम कॉस्ट 0 पे या मिनिमम कॉस्ट 1 पे, इन दोनों में जिसपे मिनिमम कॉस्ट है वो हम अपडेट करेंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो जिसको प्रेजेंट करना हो, सराहन मेरी आवाज आ रही है, यस मैम आपको बस क्लियर है। सर थैंक यू सर, कोई क्वेश्चन किसी ने प्रेजेंट करना है वरना फिर हम रैंडमली तो ओपन कर लेते हैं। जी मैम आप ही रैंडमली ओपन करना। हाँ क्वेश्चन आएंगे तो हमसे नहीं होगा, तो और देखना यस मैम को मीडियम प्रॉब्लम देखने हैं या इजी देखने हैं, नो प्रॉब्लम।
नहीं चल रहा है, फिर समय से रिसीव करेंगे। क्वेश्चन तो मैं जाके सब लोगों को देखिए आप यस मेरे मैम, क्वेश्चन। आप एक एग्जांपल दिखाते हैं जो नीचे, अगर दीवियों को एग्जांपल। हम खुद ही से कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन में दीवी नहीं था दीवी नहीं है। नाम्स हमारे पास है 1 1 2, तो हमारे पास ये 1 डुप्लीकेट हो रहा है,
हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करना, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करना। अब इसने नाम्स को कैसे अपडेट किया, वन टू और दो एलिमेंट नेम। हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन शुड रिटर्न k इक्वल टू 2 टू द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ नम्स विद k 1 एंड 2 टू बैक टू 3। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू नीड बियॉन्ड द रिटर्न k हम दे आर अंडरस्कोर। अब इसका जो हमारा फंक्शन होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। यहाँ हम देखते हैं नम्स क्या है, 0 0 1 1 1 2 2 3 4। हमारे पास यूनिक एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4। बाकी हमारे पास अंडरस्कोर वैल्यूज हैं। हमारे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, k इक्वल टू 5। कोई आइडिया किसी को कैसे होगा ये पक्का? एक तो ये है कि हम फॉर लूप लगा लें जो पूरी हमारी एरे को कैच करेगा, ट्रैवर्स करेगा, जहां पर हमारे पास डुप्लीकेट आते जाएंगे उसको इग्नोर करता जाएगा। कोड करने की कोशिश करें इसकी। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट किया करें, कल बोलें सही बोलें, आज कल बोलेंगे तो कल सही बोलेंगे। मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं आता, मुझे भी आप लोगों की हेल्प चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। पौधों का वाला टाइम नाम इक्वल टू आई इक्वल टू 0 से नाम तो ऑफ साइज तक चलेगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा सी, तो हर वैल्यू को कंसीडर करेगा। अब हम देख लेते हैं क्या होता है। मैम एक काम करते हैं, एक और पॉइंटर रखते हैं हम जे, और अब हम जे को क्या करेंगे, जे स्टार्ट में 0 होगा, अब हम क्या करेंगे कि ना आई यानी आई और आई प्लस वन को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले आया 0, अगर दूसरी एग्जांपल में देखें दोनों 0 है, दोनों इक्वल है तो हमने जाने दिया, फिर उसके बाद हमारे पास दोनों अलग अलग आए, जब हमारे दोनों अलग अलग आएंगे ना तो हम उस जे पे ना आई को सेट कर देंगे यानी 0 को, और आई प्लस वन कर देंगे, अब ओ सॉरी जे प्लस वन कर देंगे। अब उससे क्या होगा, अब हमारी पोजीशन हो गई 1, यानी 1 इंडेक्स पे अब चेंज करना है। अब जैसे ही हमारे पास 1 2 डिफरेंट आए ना, तो हमने 1 इंडेक्स पे उसको सेट कर दिया जे को, जे की जे पे 1 को, और फिर उसके बाद जे को हमने प्लस 1 कर दिया। लेकिन ये चीज ये है कि ये 3 तक तो चलेगी, लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे, 4 वाले को हमें फिर खुद से करना पड़ेगा। तो मैं जरा सा एनोटेट करके बता दूं, जरा इजी नहीं कर सकता हूँ। सॉरी मैम मैं मोबाइल पे हूँ इस वक्त अभी, तो मोबाइल पे एनोटेट करना इजी होता है, करते करते यहाँ पे हम मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे फाउंडर रखूँ, लेकिन अगर आप इजी नहीं कर सकते हैं तो हम हमें ट्राई करके जैसे आप कह रहे हैं। देखो मैं क्या कहूँ। अच्छा मैम एक काम करें हम वो एक ड्राई रन कर लेते हैं, आप ना कोई सी भी मतलब इसमें एग्जांपल ड्रॉ कर लें, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 1 1 2 वाली कर लें, या फिर दूसरी एग्जांपल कर लें, दूसरी एग्जांपल को आप मतलब एरे बना लें और उसको हम कर लेते हैं ड्राई रन एक बार। सर आपकी वॉइस बीच में ड्रॉप हो जाती है, काफी हल्की हो जाती है।
सॉरी मैम, मैं कह रहा था कि आप दूसरी एग्जांपल को एक बार कहते हैं ड्रॉ कर लें, मतलब एरे को, और उस पर हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमारे पास होगा अच्छा देखें, जीरो आई जो हमारा जो आई होगा ना, वो तो आइट्रेट कर रहा होगा जैसे आपने किया लीनियरली। अब हमारा जे जो होगा ना स्टार्टिंग में, वो जीरो पोजीशन पे होगा। अब हमारा जैसे ही आई पहुंचा हमारा कहते हैं वन पे, वन इंडेक्स पे, तो उसने देखा कि उसके पास जो एलिमेंट है ना आई और आई प्लस वन पे, वो दोनों डिफरेंट है, यानी जीरो और वन है। तो अब वो क्या करेगा, वो जे यानी जीरो इंडेक्स पे, जे जो जीरो है, तो वहां पे वो आई वन एन ऑफ आई को सेट कर देगा, और फिर उसके बाद यानी कि जीरो को सेट कर देगा। फिर उसके बाद हमारा लूप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लूप पहुंचा हमारा वन एंड टू पे, तो उसने देखा कि अब दोनों डिफरेंट एलिमेंट आए। अब हमारा जे जो है, क्योंकि हम अच्छा हम जब भी सेट करवा रहे होंगे ना जे पे कुछ भी, तो हम जे प्लस वन कर रहे होंगे। अब हमारे जब डिफरेंट एलिमेंट आए, तो अब उसने क्या किया कि वन जो था ना, अब वो जे इज इक्वल टू, क्योंकि वन हो चुका था, तो अब वो वन को उस जे पे सेट कर देगा, उस इंडेक्स पे। अगर आप बोलें तो मैं आपको कोड में बताता हूँ, कोड में शायद ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए ये लिखना पढ़ना। कैसे करेंगे आप? सी प्लस प्लस में करेंगे क्या? कह रहे हैं हम जीरो से हाँ इनिशियलाइज मतलब करते हैं। नहीं, हाँ जे को आप कहते हैं बाहर लूप के बाहर इनिशियलाइज करते हैं, लूप से बाहर। वन मिस्टर जी, अच्छा मैम, कंडीशन ये आ जाएगी इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन। अच्छा फिर इसमें यहाँ पे हमें वो वाली कंडीशन को कैटर करना पड़ेगा कि, या फिर आप लूप को नम्स डॉट साइज माइनस वन चला लें, ताकि कि आई प्लस वन से मसला ना हो हमें। अच्छा मैम, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जे पर हम नम्स ऑफ आई को सेट करवा देंगे। क्या करेंगे आप कह रहे हैं नाम सॉफ्ट जे पर और जे को प्लस प्लस कर दिएगा, ताकि एक बढ़ जाए हमारा। जे प्लस प्लस कर दिएगा। अब तक एक लाइन में लिखना होगा तो इसमें हम बैठे सीख। वो जे के ठीक अच्छा मैम, अब अगर आप इतने कोड को ड्राई रन करें ना, तो ये कोड बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन वहां तक जहां तक थ्री और फोर डिफरेंट आए थे, लेकिन हमने फोर को सेट नहीं करवाया ऐसे ही, अगर आप देखें तो। देखते अगर आप इसको प्रिंट कर लें, तो इसमें एक छोटा आपने शायद एक ब्रैकेट नहीं लगाया करेंगे शायद, बल्कि नहीं सही है। करेंगे आप ना नम्स ऑफ जे को एक बार प्रिंट करवा लें सिर्फ, ताकि हमें ना ये एक चीज कंफर्म हो जाए। नम्स को प्रिंट करवा लें, सॉरी लास्ट में, लूप के आखिर में। के काउंट नहीं किया हमने के को भी साथ में शेयर करना पड़ेगा। नहीं, काउंट तो मैम जे के जरिए से ही हो रहा है ना, क्योंकि हम जब भी, क्योंकि जब भी हमारे यूनिक कैरेक्टर आ रहे हैं, तभी हम जे को प्लस करवा रहे हैं। रिटर्न कर रहा था।
अच्छा रिटर्न जे करेंगी, लेकिन इसमें अभी भी एक थोड़ा सा मसला होगा, मुझे यहाँ तक यकीन है, क्योंकि एक बार रन कर लें फिर भी आप नम्स को एक बार प्रिंट भी करवा लें ताकि हमें कंफर्म हो जाए। नम्स को प्रिंट भी करवा लें, देखिएगा शायद सिर्फ लास्ट लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आ रहा होगा, उसमें भी देखें शायद लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास वन है और एक्सपेक्टेड हमारे पास और केस टू भी देखिएगा, केस टू देखिएगा वहां पे भी शायद लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आ रहा होगा हमारे पास। वन टू है। हाँ जी सही कह रहा है, फोर भी आ रहा, फोर है। तो फिर बस हम क्या करते हैं लास्ट में ना, कहते हैं नम्स ऑफ जे पर, अब जो हमारे पास नम्स ऑफ जे होगा ना उसमें लास्ट वाला एलिमेंट रख लेते हैं और जे प्लस वन हम रिटर्न कर देंगे, मतलब लूप के बाहर। आप ये कह रहे हैं कि हम क्या करें ना? लूप के बाहर, मिस लूप के बाहर, लूप लूप से आउट ऑफ लूप आ जाए। हाँ हमारा जो नम्स ऑफ जे है ना, उस पे हम लास्ट वाली वैल्यू रख दें। अब मुझे ये सी प्लस प्लस में नहीं पता कि एरे की लास्ट वैल्यू कैसे हम लेते हैं। ऐसे देख लो ना, ऐसे मिस मैम लास्ट वैल्यू बस, हाँ डॉट लेंथ माइनस वन, साइड माइनस वन नहीं साइड, चाहिए इस तरह, अगर माइनस वन इस तरह करें करो। यस मैम। और जे को जे प्लस वन रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमने एक और एलिमेंट को सेव करा लिया ना इसमें, तो अब चल जाएगा देखिए। तो हम ए प्लस में जाके डिफरेंट ऐसा है तो वन बचा, फिर उसके बाद लग रहा है जैसे हम बहुत दूर से बोल रहे हैं, तो हल्की बहुत सारी आ रही है। सॉरी मैम। इस पे अगर हम देखें तो अगर हमारे पहले दो एलिमेंट डिफरेंट थे, यानी उसने वन को रख दिया और फिर उसके बाद टू और थ्री भी डिफरेंट थे तो उसने टू को रख दिया, और लास्ट में हमने ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम जेस के बाहर ऑपरेटर करवा नहीं मैम, जे तो असल में बस हमने एक पॉइंटर रखा हुआ है ना कि मतलब जिस पोजीशन पे हमें अपने उसको रखना है। इसको एक काम करें हम, इसको हम इस वाली कहते हैं जो टेस्ट केसेस को हम वो कर लेते हैं अपना कस्टम, मतलब इसको आप वो कर लें कॉपी कर लें, हम इसे इस पे एक बार ना कहते हैं वैसे रन करके देखते हैं सिर्फ 1 2 3 वाले पे, ताकि हमें हमें वैसे पता चल जाए ना, हम प्रिंट प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसमें क्या मसला हो रहा है। इसमें इस तरह से कैसे डिबग तो नहीं हो गया? सबसे ट्रायल हम कैसे देख लेते हैं? जैसे हाँ वैसे ट्राई रन करके देख लेते हैं, जैसे कि हाँ हमारा लूप चलेगा फ्रॉम 0 से हम यहाँ पे भी अपन नई लेकर साइड काम कर रहे हैं। और फ्रॉम 0 से 1 तक चला। अच्छा फिर उसके बाद हमारा 1 और 2 जब डिफरेंट आया तो उसने जे, क्योंकि 0 था तो नम ऑफ जे 0 पे उसने कहते हैं 1 को ही रख लिया, और जे प्लस प्लस यानी कि जे की वैल्यू अब 1 हो गई,
और फिर उसके बाद अगले उसके लिए चला तो हमने देखा कि 2 और 3 भी डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट है, तो यानी 1 पे उसने 2 को रख लिया और J को प्लस प्लस कर दिया, सही है। अरे वाह, एक कस्टम केस टेस्ट केस बना लेना मैम। सर कैसे बनाते हैं टेस्ट केस? मुझे नहीं आइडिया। वैसे तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा, हाँ ये प्लस वाला ऑप्शन जो आ रहा है केस केस 2 के बराबर में प्लस करें, और यहाँ पे जो जिस पे रन नहीं किया ना वो वाला, हाँ अब इसी पे आप नम्स को चेंज कर दें, हाँ 1 2 3 कर दें। और अब एक काम करें, प्रिंट भी करवा लें, रन कीजिएगा लेकिन प्रिंट भी करवा लें ताकि नम्स को, ताकि हमें पता भी चल जाए पूरे नम्स को उसका लूप के अंदर ही, ताकि कहाँ मसला आ रहा है हम ये देख लें। रिटर्न से पहले वो मैम प्रिंट नहीं, आपके में तो सी आउट होगा ना, बहुत ज्यादा इसलिए अच्छा तो अंतर सही सारी भूल गई है, वो भी सीधा न्यूज नहीं है, सिर्फ मुझे वो याद है। लूप। हुआ है सी आउट शायद लेस देन का साइन आता है मेरे जहाँ तक याद है, कोई सी प्लस प्लस मैंने किया है। ये साइन तो अगले में भी शायद होता था, बाद में भी आता रहते हैं। नहीं बाद में जरूरी नहीं है। नहीं फिर शायद ग्रेटर का साइन आता होगा, ये असल में यार ओके हाँ सर कर लेना। कौन है? तरह से दिया लेकिन ये तो सही शायद टाइम पे हुआ था। शायद सेमी कॉलन नहीं लगाया था आपने, देखिएगा शायद सेमी कॉलन का मसला होगा। आपको तो बोलता सही टाइम पे हुआ था, अगर नॉर्मल तो उसमें दूंगी कमाल नहीं वो भी है पे दूंगी तो वो फिर पूरा नाम से रिटर्न करेगा ना। सेमी कॉलन, फिर ऐसा क्या मसला आ गया। अच्छा
इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ चुकी है इसके फॉलो कर देख लेते हैं मेरी लॉजिक में खाना जाए। ना सेशन के टाइम भी ओवर होने वाला है, तो हम इस प्रॉब्लम को कल देखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।